लिए। आप लोग के लिए मैंने सेक्रीफाइस कर दिया, आज मैं अकेला नहीं घूम पाया। ऐसा फील हो रहा है तेजी से, बस यहाँ पे खमती थाली खाने के लिए आया जैसे भी लगता है। और इलॉन मस्क क्या है कि हमारा 4-5 सालों में कुछ नहीं हो पा रहा, ये 3 दिनों में क्या क्या करके चला गया यार। तो दोस्तों विंटर आते ही वहाँ एकदम अर्ली मॉर्निंग पे मक्का वो पका रहा था, पॉपकॉर्न बना रहा था, देख सकते गाइस कुछ इस तरह से बनाया जाता है। और मुझे भी पॉपकॉर्न खाने मन हो गया तो माँ का सामने में बैठ गया और साथ ही साथ बैठने साथ साथ माँ मुझे दे दिया ये पॉपकॉर्न। यू कैन सी ये, देख सकते काफ़ी अच्छे से बर्न होकर पॉपकॉर्न बन गया है और काफ़ी टेस्ट भी है क्योंकि बहुत ही ऑर्गेनिक है तो घर का वाला मक्का है ना। और मैं 1-2 पीस और थोड़ा खा के मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, तो और 2 पीस मुझे दे दिया तो ये मैं लास्ट खा के निकल जाऊँगा। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल एंड आप सभी को मैं दिल से स्वागत करना चाहता हूँ मेरे छोटे से ब्लॉग पे। एंड वैसे बहुत दिनों के बाद आफ्टर लॉन्ग गैप के बाद आप सभी के सामने मैं मिल पा रहा हूँ क्योंकि मेरा बहुत ही बिजी शेड्यूल होने के कारण से मैं आप सभी को नहीं मिल पाया। और आज ही आफ्टर लॉन्ग गैप के बाद आज ही आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को फिर दोबारा मिल पा रहा हूँ। और सबसे पहले आप सभी को मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, पर्सनल बिजी शेड्यूल होने के कारण से आप सभी को मैं कुछ भी अपडेट नहीं दे पाया, कुछ भी मतलब कुछ भी वीडियोस क्रिएट नहीं कर पाया आप सभी के लिए। उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी को माफ़ी मांगना चाहूँगा। एंड राइट नाउ बेसिकली अभी इस वक्त मैं जा रहा हूँ नामसाई, और नामसाई भी अपने पर्सनल काम के लिए जा रहा है, फिर भी आप सभी को सोच के मैं थोड़ा सा थोड़ा ग्लिम्स वीडियो शूट ले लेगा ऐसे जाएगा बोल के सोचा है। तो अभी जस्ट दीदी का गाड़ी लेके आया, यू कैन सी हियर जो मैं बैठा हूँ ये दीदी का गाड़ी है, मैं दीदी का गाड़ी लेके आया हूँ अपने स्कूटी वहाँ रख के। और दोस्तों आप सभी से पूछना चाहूँगा कि आप लोग का दशहरा आप लोग का फेस्टिवल कैसे गया है, इस बार का जो दशहरा इस बार का दुर्गा पूजा आप लोग का कैसे गया, कमेंट करके बताना गाइस। मेरा तो क्या बोलेगा, एवरी फेस्टिवल फेस्टिवल जैसा मूड नहीं होता है, क्या बोलेगा। अभी कुछ सालों से लाइक कुछ भी फेस्टिवल आता है जाता है, जो बचपन में जो एक्साइटमेंट होता था फेस्टिवल आता है बोल के कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मतलब अभी फेस्टिवल आ रहा है बोल के। बचपन टाइम में तो क्या होता है कि अभी फेस्टिवल आ रहा है बहुत ही लाइक अलग ही एक्साइटमेंट था, लेकिन अभी कुछ एक्साइटमेंट वाला नहीं फील नहीं होता है कि क्या बोलेगा दोस्तों यार। फेस्टिवल आता है चला भी जाता है और फिर दोबारा भी आ जाता है, तो इसी तरह मेरा फेस्टिवल भी नॉर्मल डे की तरह चल जाता है। तो अभी मैं इस वक्त निकल रहा हूँ नाम से क्योंकि अपने काम के लिए मैं निकल रहा हूँ। एंड देख सकते अगल बगल नोबडी इज हियर, देख सकते यार कोई नहीं यार गाइस। ये दीदी का गाड़ी लेके आया, फिर भी 4 सीटें खाली है, फिर भी मैं अकेला सफर करने जा रहा हूँ। इतना दुख तो हमसे बड़ा दुख तो कोई हो नहीं सकता यार गाइस, फिर भी मैं अकेला जा रहा हूँ। सोचने वाला बात है यार, खुद को सोच के मतलब हंसी भी लग रहा है, 4 सीट खाली लेके जा रहा है ये। मैं अपने स्कूटी से निकल जाता तो भी ठीक था, एटलीस्ट स्कूटी में तो 1 सीट तो खाली हो गया है कि नहीं। फिर भी क्या कि बारिश वो सब होगा बोल के मैं ये गाड़ी लेके आया, ये भी सोचने वाला बात है कि नहीं दोस्तों। हमसे बड़ा दुख, हमसे बड़ा अकेला आदमी दुनिया इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता, वो सीधा बात है। सफर करने जा रहा हूँ अकेला से और नोबडी इज हियर यार, कोई साथ देने वाला नहीं है मेरा साथ यार, क्या बोलेगा कोई नहीं यार। एनीवे गाइस ना, एंड राइट नाउ अभी निकलते हैं, सबसे पहले अपने काम पे लेकर लेते हैं एंड देन आफ्टर दैट जो भी होगा देखा जाएगा, जहाँ जाना है जहाँ नहीं जाना वो होगा जो होगा देखा जाएगा। अजिमला मजिमला ना। तो गाइस निकलते हैं इस वक्त, चलो चले एक सफर में वो भी अकेला, चलो गाइस। Just feel the song guys. Dard bhi dawa tu tak tak main jeena mere jeene dilwa tu. To guys yaar kabhi boring sa lag raha yaar, aisa lag raha main akela kyun aaya hu, kisi dost ko koi bhai bandhu ko leke aata to bhi theek tha. Aur aise 20 sarak pe abhi koi lift mangta hai to usko lift deke main jaunga. बाई चांस क्या बात है कोई लिफ्ट मांगे तो जरूर मैं पिक करके पहुँचाऊँगा, होप कि कोई मिले। तो गाइस बोलना यार ऐसे बोरिंग सा में मतलब क्या करने से ठीक रहेगा, ऐसे बोरिंग सा जर्नी में प्लीज़ थोड़ा सा एडवाइस दीजिए यार गाइस, कमेंट करके यार। अभी मैं आलू बारी क्रॉस हो गया, तेजू से आलू वाली क्रॉस हो गया, चौखा हम पहुँच ही गया अभी, तो अभी लगभग 50 किलोमीटर आई बोल रहा है 45 समथिंग किलोमीटर बाकी है, तो देखता है जो होगा देखा जाएगा। सो स्टे ट्यून गाइस। गाइस अभी इस वक्त मैं पेट्रोल पंप पहुँच गया चौखा पर, तो यहाँ से पेट्रोल सब डाल के निकल जाएंगे, पेट्रोल का स्टिक भी कम इंच लग रहा है। मैं 1000 का डाल दूँ, हाँ 1000 1000 खोल गया। पेट्रोल पंप से पेट्रोल डाल के जाएंगे। पर लीटर कितना है भैया? 93.50।
अब इतना ज्यादा हो गया ना। कितना देर तक मिलेगा होगा? 11 यानी तक एग्जैक्ट मिला हुआ। ठीक है, थैंक यू। हैप्पी दशहरा। तो गाइस सभी पेट्रोल और सब डाल लिए, वरना भी निकलने का बाकी। बस तो दोस्तों अभी मैं इस वक्त चौखाम क्रॉस कर चुका हूँ। अभी चौखाम टू नामसाई का बीच में, हाईवे का बीच में हूँ। और दोस्तों क्या बोलेगा यार, इलोन मस्क का तो ये 3 दिन में क्या क्या हो गया क्या बोलेगा यार। 3 दिनों में बहुत कुछ क्या क्या इनोग्रेट किया और हमारा क्या बोलेगा यार, 3-4 साल से कुछ नहीं हो पा रहा है। और इलोन मस्क क्या है कि ये 3 दिन में बहुत कुछ कर दिया यार। स्पेस एक्स का सक्सेसफुल लैंडिंग हो गया और क्या क्या गाड़ी लॉन्च किया यार, क्या बोलेगा। हमारा 4-5 सालों में कुछ नहीं हो पा रहा वाला, ये 3 दिनों में क्या क्या करके चला गया यार, क्या बोलेगा यार। जो भी करता हूँ उल्टा ही होता है। कुछ भी अच्छा काम करने के लिए कोशिश करता है तो उल्टा कान हो जाता है, क्या बोलेंगे यार। हमारा जिंदगी तो क्या बोलेंगे यार, एकदम बर्बाद। गाना भी सुन के बोरिंग हो गया यार गाइस। गाइस अभी गोल्डन पकोड़ा का जगह पहुंच गया, यू कैन सी हियर। और 18 किलोमीटर बाकी है हमको। अभी हम लोग गोल्डन पकोड़ा का जगह तो पहुंच चुके हैं। फाइनली अभी थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। और बाद में आके गोल्डन पकोड़ा घुस के आते हैं। वैसे तो मैं लाइफ में अभी कभी नहीं गया अभी तक भी। अभी मैं 23 ईयर्स का हो गया हूँ, लेकिन अभी तक भी मैं गोल्डन पकोड़ा विजिट नहीं कर पाया। उसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा फील कर रहा हूँ। तो वो आज मेरा फर्स्ट पहला एक्सपीरियंस भी हो जाएगा गोल्डन पकोड़ा का। सो ट्राई करते हैं गोल्डन पकोड़ा एक बार जाके आने के लिए। अकेला फिर जाने मन भी नहीं हो रहा है। तो बाद में देखते हैं गोल्डन पकोड़ा जा पाने से जाते हैं। गाइस फाइनली भी इस वक्त मैं नाम से पहुंच चुका हूं। एंड सबसे पहले अपने काम जो भी काम है वो पहले कर लेते हैं, आफ्टर दैट डॉक्टर को मिलता हूं। सभी जो काम था, जो भी नाम से मैं जो भी काम था वो मैंने फाइनली काम कंप्लीट कर लिया। एंड अभी देखते हैं अभी कहां तरफ जाना है, क्या करना है, वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एंड अभी पेट भी थोड़ा भूख लग रहा है, खाना भी सुबह से नाश्ता करके नहीं आया, तो कुछ खा के निकल जाएंगे। यहाँ मैं नामसाई में कहीं में रेस्टोरेंट कुछ रेस्टोरेंट वो सब ठीक अच्छा है तो देख लेते हैं कहाँ में अच्छा होगा। तो यहाँ का नामसाई का लोग से पूछते हैं कि नामसाई पे कहीं पे बेस्ट रेस्टोरेंट होटल कहाँ पे है, बोल के पूछ लेते हैं गाइस। उसके बाद डिसाइड करते हैं खाने का बात। तो गाइस देख सकते हैं इस वक्त मैं वैशाली दाबा देख सकते हैं। वैशाली दाबा मैं पहुंच चुका हूं नियर गोल्डन पकोड़ा। तो अभी यहां से कुछ पेट भोजन करके निकल जाते हैं और गोल्डन पकोड़ा देखते हैं खाना खाने के बाद। आफ्टर डेट मन खुलता है तो जाके आते हैं, फिर अकेला से भी जाने में अलग से बोरिंग हो रहा है ना इसलिए। सो सबसे पहले लंच कर लेते हैं एंड आफ्टर डेट जो होगा देखा जाएगा गाइस। अभी हम लोग जाएंगे वैशाली दाबा नियर गोल्डन पकोड़ा। यहाँ का खाना टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद आफ्टर डेट आप सबको मैं बताता हूँ। भाई इसको थोड़ा मुझ दो, हाँ तो भीगा है, थोड़ा भीगा भुगा हुआ है। खाने में क्या क्या मिलेगा भाई, खाने में क्या क्या मिलेगा? हाँ ऑर्डर नहीं लेता है, ऑर्डर नहीं लेता है भैया। हाँ खाने में क्या क्या मिलेगा? खाना तो थाली होगा, थाली
नॉन वेज में ना, तब तो चिकन का दे दीजिए ना। ड्राई फ्राई कर दो, थोड़ा जल्दी लगा दो। हाँ क्या खमती थाली ना, क्या है थाली थाली ना, ठीक है थोड़ा जल्दी ला दीजिए ना। तो गाइस मैंने अभी खाना ऑर्डर कर लिया खमती थाली, क्योंकि कल रात को ही मैंने बॉयल वाला सब्जी करी खाया तो फ्राई मंगाया अभी इस वक्त। कल मैं करी खाया तो अभी करी खाने मन नहीं हो रहा, इसलिए फ्राई मंगाया। और ऐसा फील हो रहा है तेजू से बस यहाँ पे खमती थाली खाने के लिए आया जैसे भी लग रहा है। आप लोग को ऐसा भी लगेगा होगा, बस यहाँ आया है चला गया, नम से पहुँच के वापस चला गया। चिकन फ्राई ना दोस्त ना, चिकन के लोकल ना बोले बोले आ लोकल नहीं है, लोकल भी हो जाएगा कुछ है तो यहाँ भी टाइम लगेगा, बनाना पड़ेगा ना। हाँ पड़ेगा ना, ठीक है हो जाएगा, थैंक यू। बस इन काम है उधर में ना। फाइनली वो डिश इज रेडी, यू कैन सी हियर खमती थाली। हाँ गाइस यार, काफ़ी मशक्कत के बाद मैंने लंच कर लिया वैशाली किचन पे रेस्टोरेंट पे, काफ़ी अच्छा था। हमारा जो खमती डिश कल शाम में भी मैंने खाया था, और आज का दिन पे आज का दोपहर पे मैंने जस्ट थोड़ा पहले लंच की है खमती डिश, बहुत ही टेस्ट था। हैट्स ऑफ द खमती डिश यार, बहुत ही टेस्ट होता है यार। एंड वैसे जब तेजू से यहाँ आते वक्त को क्या है कि कुछ बात हुआ था हम लोग का बीच में, है कि नहीं, जब वापस जाते वक्त गोल्डन पगोडा विजिट करके जाएगा बोर्ड के बात हुआ था, लेकिन अभी वो बात जो थोड़ा चेंज हो गया, क्योंकि जैसे ही मैंने खाना खाने के बाद लंच करने के बाद पूरा मन जो चेंज हो गया, ऊपर से मैं अकेला आया हुआ है, अलग से बोरिंग भी फील हो रहा है एंड अजीब सा फील भी हो रहा है, क्योंकि गोल्डन पगोडा फिर घुसना अकेला से जाना फिर मज़ा नहीं लगता ना। इसलिए सोचा है कि नेक्स्ट टाइम मैं हो सके तो आप सभी के सामने मैं आऊँगा, क्योंकि तो आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ जो जो मेरा साथ गोल्डन पगोडा घूमने आने मन है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना, तो तब जाके हम लोग गोल्डन पगोडा का एक ट्रिप हम लोग प्लानिंग करते हैं। तो आप लोग के लिए मैंने सेक्रीफाइस कर दिया, आज मैं अकेला नहीं घूम पाया, वो भी आप लोग के सोच के आप लोग का कमेंट का हिसाब से मैं घूमने आऊँगा जिसके साथ भी, चाहे वो जो भी हो एक्स वाई जेड है कि नहीं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ड्रॉप करना ना भूले। एंड तो अभी इधर घर निकलते हैं साथ ही साथ, और आप सभी को मिलते हैं अपने घर पर। रास्ता के बीच में आप सभी को बात कर करके आप लोग को बोरिंग भी लग गया होगा, सुनने के लिए बोरिंग भी लग गया होगा, तो अभी अपने घर पहुंचते हैं। और गाइस फाइनली अभी घर पहुंच गए नमसे से, बहुत ही थक गया यार गाइस। एंड यू कैन सी हियर, आप सभी को मैं दिखाऊंगा, एंड यू कैन सी हियर देख सकते हैं, कुछ दिन पहले आप सभी ने देखा होगा धान मैंने जो तोड़ा है, तो ये सब तोड़ देने के बाद धान वन तोड़ने के बाद पूरा ये ट्रैक्टर सुबह काट दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ और बीजन फेंकेगा देख सकते गाइस, इस जगह पर ये सब पूरा ट्रैक्टर से काट चुका है, तो अभी क्या करेगा यहाँ पर कुछ फेंकेगा और एक बार दोबारा काटना पड़ेगा वो शायद से, ये साइड का भी कर दिया होगा शायद। साइड में क्यों बचाया बोलना था, क्योंकि तामू वो सब लगाया था वो आप सभी जानता ही होगा, और ये साइड भी काट चुका है देख सकते हैं गाइस। अभी ये सब थोड़ा अच्छे से सूख जाने के बाद फिर दोबारा से चक्कर काटना पड़ेगा, तब जाके हम लोग कुछ बीजन फेंक सकेगा, कुछ सीड्स फेंक सकेगा, तब भी मतलब हमारा जो सीड जो फेंका है वो निकल पाएगा। तो अभी कुछ दिन के बाद पता चल जाएगा हम लोग क्या फेंकने वाला है और क्या लगाने वाला है। तो ये तक था गाइस,
सो एनी वे मिलते हैं आप सभी को अगला वीडियो पे, एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थक गया यार बहुत कसम से यार।